अस्सलामु अलैकुम, आपकी मेज़बान सदफ़ ताहिर चौधरी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम AIOU मैगज़ीन में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी और आपकी मुलाकात हर महीने के पहले सोमवार को होती है, जिसमें हम आपको यूनिवर्सिटी में होने वाली तमाम सरगर्मियों से आगाह करते हैं, ताकि मुल्क के तूलो अर्ज़ में बैठे हमारे तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी को जान सकें। अज़ीज़ तलबा, सेमेस्टर बहार 2008 में दाखिले के लिए अप्लाई करने वाले तलबा और तालिबात यकीनन मेलिंग के इंतज़ार में होंगे। हम आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी से किताबों की मेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे जून 2008 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेमेस्टर खिजान 2007 के तलबा और तालिबात यकीनन इम्तिहानी मशकों की तकमील के बाद इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जी हाँ, सेमेस्टर खिजान 2007 के इम्तिहानात 15 मई 2008 से शुरू हो रहे हैं, जिसमें PTC, CT और BEd के इम्तिहानात शामिल हैं। इस सिलसिले में आप हमारी वेबसाइट www.aiou.edu.pk देख सकते हैं। बाकी प्रोग्राम्स के इम्तिहानात की तफसील से जल्द आपको आगाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, सरवरे कायनात आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़िंदगी बेशक हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरत के हवाले से गुज़श्ता दिनों अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबाए तारीख ने स्पीकर एट द कैंपस प्रोग्राम के तहत मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम कुरान की नज़र में और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के मौजू पर एक तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलवी, डीन सोशल साइंसेस विश यूनिवर्सिटी ने कलीदी खुतबा पेश किया। उन्होंने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी का तआरुफ कराते हुए रब्बे कायनात रब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अखलाक के बुलंद तरीन मेयार पे कायम किया है। हुजूर की जाते गिरामी की जो अहमियत है इंसानी जिंदगी में, वो बतौर पैगंबर और बतौर रसूल के, बतौर नबी के, बतौर ऐसी शख्सियत के जिसे खालिक कायनात ने हयात इंसानी के लिए रोल मॉडल बनाया है, हमारी तहजीब, हमारा मुआशरा, हमारी इनफरादी सीरत, हमारा इनफरादी किरदार जिस रोल मॉडल के हवाले से तश्कील पाता है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति ग्रामी है। ये बदकिस्मती है दौरे हाजिर की कि मगरबी तहजीब ने, मगरबी कल्चर ने और इस्तेमार के लाए हुए इल्मी और तहजीबी तर्ज अमल ने हमें महरूम कर दिया है उस वर्से से कि जिससे हमारी शख्सियतों की तामीर हो। वो जो इकबाल ने कहा कि मुकद्दर कर मगरिब चश्महा इल्म और इरफान, जहां रा तीर तरसाजत चमशा ये चीज इशराक, कि मगरिब ने इल्म के जो जराए हमें अता किए हैं, इल्म का जो मिनहाज हमें दिया है, मालूमात हासिल करने और तालीम से जो नतायज हासिल करने का उसने हमें सबक पढ़ाया है, उससे सिवाय इसके कि जिंदगी का जो साफी चश्मा है, जो उसका साफ सुथरा हयात बख्श पानी है, उसको गदला करने के सिवा, उसको पल्यूट करने के सिवा
और कोई काम नहीं किया। प्रोग्राम की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन भट्ट ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा, हमें अपने अपने डिसिप्लिन में फिर से तहकीक और तनकीद और तहरीर की कुव्वत का इस्तेमाल करना है, ताकि हम एक दूसरे को रिमाइंड करते रहें कि ये रहमतुल आलमीन हमारे लिए भी और आलमीन के लिए भी उसी वक्त रहमत बनेगी जब हम इनके अफकार पे अमल करेंगे। ये है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इस कॉल और फेल के तजाद को दूर कीजिए तो इंशाल्लाह अल्लाह की सॉवरेनिटी भी इस दुनिया में कायम होगी और उसके साथ ही साथ एक उस उम्मा का भी एहसास हमें बेदार होगा जिसकी तरफ नबी करीम ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी कि वो हमको बताएं, बार बार बताएं, अपने किरदार से बताएं, ना सिर्फ किताब से बताएं बल्कि अपने आमाल से बताएं। मैं दुआगो हूँ कि इस महफिल की बरकत से हमने ये सबक ज़रूर सीखा कि हमारी जिम्मेदारियाँ इनकी वसात से क्या है। इस प्रोग्राम से प्रोफेसर डॉक्टर अली असगर चिश्ती ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में अपना कलाम पेश किया। तेरे इश्क हैं करिश्मा जैसा, तेरे इश्क हैं करिश्मा ये सारे, दिले मुस्तरिक की सदाओं में और इस महक के सदाए मोहम्मद सुना जा रहा, सदाए मोहम्मद सुना जा रहा हूँ, चमन की हजारों बहारों में तू है और मशारिक से लेकर मगारिब की हद तक, मशारिक से लेकर मगारिब की हद तक सैयारों में तू है, सितारों में। और ये शहर है कि दुआए खलीलो नबी दे मसीहा, दुआए खलीलो नबी दे मसीहा, कुरान मुकद्दस के पारों में तू। वतन अजीज़ में कई सूफ़ी शायर गुजरे हैं और इन्हीं की तालीमात से हम इस माशरे में अमन, दोस्ती और भाईचारे को फ़रोग दे सकते हैं। गुज़श्ता दिनों पंजाबी के सूफ़ी शायर बाबा फरीद के हवाले से यूनिवर्सिटी के शोबाए पाकिस्तानी ज़बाने ने एक रोज़ा कौमी अदबी सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार के मेहमान खसूसी मुक्तदरा कौमी ज़बान के चेयरमैन प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक थे। उन्होंने कहा, शाम पड़ गई थी, अंधेरा उतर रहा था कि दूर से एक शख्स आया और वो अशरफियों का एक ट्रे लाया उनके पास, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि भाई ये वक्त नहीं है, अब तो नमाज खड़ा होने वाली है और मैं ये तकसीम नहीं कर सकता गरीबों में, और पैसा पसंदाज करना, दौलत जमा करना मेरे रूहानी मसलक के ख़िलाफ़ है, इक्तसादी नहीं रूहानी मसलक के ख़िलाफ़। तो जब वो रोने लगा तो मौलाना अलाउद्दीन जो उनके एक मुरीद ऐसे थे कि जो मामूर थे इस काम पे कि जो भी तहाइफ़ आएँ वो खल्के खुदा में बांट दिए जाएँ, ये उनका उनकी एक इजाफी ड्यूटी थी। तो मौलाना अलाउद्दीन ने कहा कि हुजूर मैं ये अशरफियाँ लेता हूँ और गांव में जाके तकसीम करके आ जाता हूँ, अभी नमाज खड़ी होगी मैं सफ़ में आके मिल जाऊँगा, ये दूर से आया आदमी। इस मौके पे डॉक्टर एस एम जमान ने खसूसी इजहार ख्याल करते हुए कहा, फरीदुद्दीन आपका लकब है, वालदैन ने उनका नाम फरीदुद्दीन रखा था, वो मसूद ही था, वह इसमें ज़ात आपका मसूदी है, फरीदुद्दीन आपका लकब है
اور گنج شکر آپ کا عرف ہے جو آپ کی شیریں مقالے آپ کی نربیں آپ کے لطف و کرم اور پھر آپ کے کرامات کے سبب لوگوں کی زبانوں پر یوں رائج ہوا کہ وہی آپ کا آپ کی پہچان بن گیا. یہ مصرے خلیقہ احمد نظامی نے اپنی کتاب کے سر ورق پر اس پہ لکھے ہیں. خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم, میری آرزو ہے کہ میں ہمیشہ تیری محبت میں جیوں, تیری محبت میں سانس لوں. خاک شبموں بزیر پائے تو زیم, میں خاک ہو جاؤں اور تیرے قدموں کے نیچے جیوں. بابا فرید کے حوالے سے کلیدی مقالہ پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی نے پیش کیا. انہوں نے بابا فرید کی شاعری فن و فکر کے حوالے سے ناظرین کو بتایا کہ فرید ایسا چراغ ہے جو درویشوں کے خانوادہ کو روشن کرے گا, اور یہ بھی کہا کہ بختیار نے ایسا شہباز پکڑا ہے جو سدرۃ المنتہا کے بغیر آشیانہ کہیں نہیں بناتا. گرو ارجن نے جب یہ گرنتھ صاحب مدون کیا تو اس میں بابا صاحب کا کلام آیا, اور اب بھی اگر آپ سکھوں کی کتاب گرنتھ صاحب اٹھاتے ہیں تو بابا صاحب کا کے کلام کی تلاوت ہندوستان میں اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں قرآن کریم کی ہوتی ہے. گزشتہ سال مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو گولڈن ٹیمپل کے ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد کس نے رکھا تھا, تو میں نے انہیں بتایا کہ حضرت میاں میر صاحب نے. ان کو آپ یہ بھی مانیں گے کہ بابا صاحب کا کلام جتنا ہم پڑھتے ہیں اتنا آپ لوگ نہیں پڑھتے. ہماری مذہبی کتاب میں ان کا کلام ہے اور آپ تو ان کو صرف شاعر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بابا صاحب کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کو سکھ, ہندو اور مسلمان تینوں فرقوں والے ان کو اسی احترام سے دیکھتے ہیں جیسے ایک بزرگ کو دیکھا جاتا ہے. ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے بابا فرید بارے کچھ مغالطے کے عنوان سے مقالہ پیش کیا. انہوں نے پنجابی شاعری کا موڈی لکھیا جاتا ہے, یعنی انہوں کے سامنے اس تو پہلو پنجابی شاعری کا کوئی نمونہ موجود نہیں سی. اس کر کے یہ کہنا غلط نہیں ہوئے گا کہ پنجابی شاعری کے بعد کھڑن والے اس گلاب نے, پنجابی شاعری کے بغیچے میں کھڑن والے اس گلاب نے شاعری کا خاکہ بھی آپ ہی بنایا, تو یہ رنگ بھی آپ ہی بنایا. یہ درست ہے جی عالم فاضل ہون پاروں کو مڈلیاں فارسی شاعران کے کلام تو واقف سن, پر اتنے یہ گل بھی چیتے رکھن والی ہے کہ بابا فرید جنہ کئی مسلمان بادشاہوں کا دور دیکھا, فلسفہ بارت الوجود کے خالق ابن العربی 1165 عیسوی تا 1240 عیسوی دے ہم اثر سن. یعنی انہیں اس زمانے میں شاعری شروع کی تھی جب ابن العربی کے افکار کا اخلاق حالے اس علاقے تک نہیں پہنچیا. یہ وجہ ہے کہ بعد دیا پنجابی صوفی شاعران کے الٹ بابا فرید کا تصور خالص شریعت کے دوالے گھومتا ہے. اس سیمینار کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کی. انہوں نے کہا, تحقیق, تنقید, تجدید, تحریر, تخلیق, ان پانچوں چیزوں پہ غور کیجئے. اس محفل سے اگر ہم کچھ لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں ان تمام امور پہ اپنی تحریر میں اپنے انداز میں غور کرنا ہے, اور پھر وہ چیز لانی ہے اپنے سامنے, اپنے احباب کے سامنے, جو اس وقت ہمارے پاس نہیں. لیکن آج بابا فرید ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا, جو کچھ سوچا, جو کچھ فیل کیا, اس کے بارے میں فکر کیجئے, غور کیجئے. گزشتہ ماہ یونیورسٹی کے لیے بڑا ہی بابرکت رہا, کیونکہ پیارے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کی تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. یہ نمائش رومی فورم کے تعاون سے یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری میں ہوئی. نمائش دو دن جاری رہی, جس میں نہ صرف یونیورسٹی کے طلباء, اساتذہ اور ملازمین نے شرکت کی بلکہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے آئے ہوئے دیگر لوگوں نے بھی دیکھی.
फोरम के चेयरमैन हारून कोकन भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने नुमाइश के इनेकाद के सिलसिले में बताते हुए कहा, दिस आइडिया इज केम आवर माइंड बिकॉज वी हैव दिस ट्रेजर एंड वी वांट टू शेयर विद द ब्रदरली पीपल हियर बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड ट्रेजर। दिस ट्रेजर इज शुड नोन by everybody, by all Muslim, because all Muslim hearts is also full of love of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we want to share his belongings and his companions' belongings and the other prophets' belongings as well. यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ ने ऑथर इन द फैकल्टी के नाम से तकरीबात का आगाज़ किया है। इस ज़िमन में मुख्तलिफ स्कॉलरों को मदऊ किया जाता है। गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी के सर सैयद सेंटर में इंग्लैंड से आए हुए नामवर शायर, कॉलम निगार और ड्रामा निगार जनाब मंसूर आफाक के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की। सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन भट्ट ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा, आपके बच्चे तो उस माशरे में रह रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, उनकी ज़बान सीख रहे हैं, उनका उठने बैठने बात करने का तरीक़ा सीख रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने घर में कोशिश की कि अपनी ज़बान को भी कायम रखें? अंग्रेज़ी तो उन्होंने सीख लेनी, उर्दू कैसे सीखेंगे? पढ़ना लिखना स्क्रिप्ट, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती और मेहनत भी बहुत मुख्तलिफ अंदाज से। बर्मिंगम में मैं देख के आया, चर्च भी है, पब भी है और मस्जिद भी है, चॉइस आपको करनी कि किसके साथ आपने अपना रब्त रखना है। मेहमान एजाज जनाब मंसूर आफाक ने इस मौके पे अपने अशआर सुनाए। दर कोई जन्नत पिंदार कवा करता हूँ, दर कोई जन्नत पिंदार का वा करता हूँ, आईना देख के मैं हम्द व सना करता हूँ, और रात और दिन के किनारों के ताल्लुक की कसम, वक्त मिलते हैं तो मिलने की दुआ करता हूँ। रात और दिन के किनारों के ताल्लुक की कसम, वक्त मिलते हैं तो मिलने की दुआ करता हूँ। वो तेरा ऊंची हवेली के कफस में रहना, याद आए तो परिंदों को रिहा करता हूँ। वो तेरा ऊंची हवेली के कफस में रहना, याद आए तो परिंदों को रिहा करता हूँ। मुझसे मंसूर किसी ने तो ये पूछा होता, नंगे पाँव मैं तेरे शहर में क्या करता हूँ। मुझसे मंसूर किसी ने तो ये पूछा होता, नंगे पाँव मैं तेरे शहर में क्या करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा AIOU मैगज़ीन। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। इंचार्ज प्रोग्राम AIOU मैगज़ीन, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान सदफ ताहिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेकबान।